Hello student, today we see the next topic, that is duct propagation. So see, this is the diagram of duct propagation. In this, we see the first diagram. This is the earth surface, okay? And this is the atmospheric duct, which is duct propagation. And this one is the top of the duct, okay? In that, this is the next diagram for elevated duct propagation, okay? This is the, again, same is this, transmitter and earth, okay? This transmitter will transmit the wave and then it is, duct propagation is done in this area. Okay, so this area is called as the elevated duct. Okay, see, a detailed explanation. The first point is that it is a special type of phenomenon. Okay, and the second name for duct propagation, it is the super refraction. Okay, duct propagation, hum jo hai, usko second jo name hai, also called as a super refraction. Okay, next point hai, it is observed at very high microwave frequency. Okay, ye kaha pe hota hai? Jab very high frequency kya ho jati hai, hum log transmit karte hain, tabhi ye jo duct propagation hai wo hota hai. Okay, the next hai, the height above the earth increases. Jab kya hota hai, earth ki jo height hai, hum log क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. जब ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा वेव, तो उसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, तब क्या होता है, एयर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. जो भी एयर की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हाउएवर अंडर सर्टन स्पेशल एटमोस्फियर. ओके, एक स्पेशल एटमॉस्फियर जब होता है, मीन्स बारिश के वक्त या फिर हम लोग बोलते हैं ठंडी के वक्त, ओके, तब क्या होता है, द लेयर ऑफ वार्म एयर मे गेट ट्रैप्ड. ओके, जो भी वार्म एयर है, ओके, जो भी गर्म जो एयर है वो क्या हो जाती है, जो ऊपर के जो भी बादल में क्या होता है, कूल एयर होती है, वो उन दोनों को क्या हो जाते हैं, वो ट्रैप्ड, मीन्स दोनों का क्या बोलते हैं, टकराना हो जाता है. ओके, टकरा जाते हैं दोनों एक मिक्स से, तो क्या होते हैं, अ लेयर ऑफ वार्म एयर मे गेट ट्रैप अबव द कूलर एयर. ओके, मीन्स क्या होता है, कूलर जो एयर है, ठंडी जो हवा है, उसके ऊपर क्या हो जाती है, वो वार्म एयर आ जाती है. ओके, दिस जनरली हैपन ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर. ये कहाँ पे होता है, ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर पे होता है. ओके, जनरली. उसके बाद नेक्स्ट है, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीजिंग. ये इसके वजह से क्या हो जाता है, जो भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है मोर रैपिडली विथ हाइट देन यूजुअल. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिक्रीज होता है रैपिडली एज कम्पेयर टू द यूजुअल हाइट जो हम लोग यूज करते हैं. ओके, दिस हैपन नियर द ग्राउंड एज वेल एज नॉर्मली विद इन द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर. ओके, तो ये जनरली कहाँ पे होता है, हैपन नियर द ग्राउंड. ओके, एज वेल एज जो डिस्टेंस है विद इन द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर के, इसमें ये जो प्रोसेस है डक प्रोपोगेशन वो होती है अबव द अर्थ. ओके, अबव द अर्थ सरफेस. देन नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू दिस रैपिड रिडक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके वजह से क्या होता है, जो रिडक्शन है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो कैसे होता है, रैपिड होता है, और माइक्रोवेव विल कंप्लीटली बेंड बैक. उसके वजह से क्या होता है, जो भी हम लोग माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी या फिर माइक्रोवेव ट्रांसमीटर से भेजते हैं, वो क्या होता है, कम्प्लीटली
बेंड बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस, वो क्या हो जाती है, वो कंप्लीटली बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ओके, दिस इज ऑल्सो सिमिलरली हैपन इन स्काई वेव. ओके, स्काई वेव में भी होता है, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. उसका डिस्टेंस कितना होता है, 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. ओके, देन नेक्स्ट है द रीजन इन विच द सुपर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. जहाँ पे भी अपना क्या हो रहा है, सुपर रिफ्रैक्शन होता है, वो रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द डक्ट. ओके, एंड द डक्ट कैन बी फॉर्म नियर द अर्थ सरफेस और एट द सम हाइट. ओके, डक्ट अगर जो फॉर्मेशन होता है डक्ट प्रोपोगेशन का, ओके, अगर वो सम हाइट के, मीन्स अर्थ के सम हाइट डिस्टेंस के इस पे होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज द इलेवेटेड डक्ट. ओके, जहाँ पे डक्ट प्रोपोगेशन होता है वो एरिया को हम डक्ट बोलेंगे. ओके, और जितने डिस्टेंस पे अर्थ के ऊपर अबाउट द अर्थ सरफेस जो भी डक्ट प्रोपोगेशन होगा उसको हम, वो डक्ट को हम क्या बोलेंगे, इलेवेटेड डक्ट. ओके, इट कैन टेक्स प्लेस ओनली फॉर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इन गीगाहर्ट्स. ये सिर्फ किसके किसके लिए होता है, जो भी अपनी हाई फ्रिक्वेंसी है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी है इन गीगाहर्ट्स, वही फ्रिक्वेंसी में डक्ट प्रोपोगेशन पॉसिबल होता है. ओके, डिटेल्स में हम लोग जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में बताया है वही नोट्स फॉर्म में भी देख लेते हैं हम लोग एक बार. ओके ओके, सी दीज आर द नोट्स फॉर डक्ट प्रोपोगेशन. द फर्स्ट इज दैट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फेनोमेना ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुपर रिफ्रैक्शन. देन इट इज ऑब्जर्व एट द वेरी हाई माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी. ओके, एज द हाइट अबव द अर्थ इंक्रीजेस. ठीक है, अगर हर अर्थ के ऊपर की जो हाइट है, हम लोग जहाँ पे डक्ट प्रोपोगेशन हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो गई तो आपका जो एयर डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके, एज द हाइट अबव द अर्थ इंक्रीजेस द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस. ओके, उसके बाद में हाउएवर अंडर सर्टन स्पेशल एटमोस्फेरिक कंडीशन अ लेयर ऑफ वार्म एयर मे गेट ट्रैप above the cooler air. This is generally happen over the surface of the water. ये भी बताया मैंने, under जो भी special atmospheric condition होता है उसमें क्या होगा, जो भी अपनी warm air है, जो भी गर्म air है वो क्या हो जाएगी, जो भी ठंडी air है अपनी ऊपर में, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, trap हो जाएगी. trap means उसके ऊपर आ जाएगी. okay, this is generally वो किसके वजह से होता है, because हैपन ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर. ये जनरली किसके वजह से हैपन होता है, बिकॉज द ओवर द सर्फेस ऑफ वाटर. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट दे सी द नेक्स्ट दैट इज ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिक्रीजेस. इसके वजह से क्या होगा, जो भी हमारी कोल्ड या फिर ठंडी हवा के ऊपर क्या हो जाते, गर्म हवा आ जाएगी, उसके वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा मोर रैपिडली विद द हाइट देन यूजुअल. ओके, दिस इज हैपन नियर द ग्राउंड एज वेल एज नॉर्मली विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स अबव द सरफेस. ये जो है रैपिडली जो है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा, और वो किसके वजह से होता है, दिस इज हैपन नियर, वो कहाँ पे होगा, द ग्राउंड एज वेल एज नॉर्मली, ग्राउंड पे भी हो सकता है, नियर द ग्राउंड या फिर विद इन द डिस्टेंस, मीन्स सरफेस के ऊपर 30 मीटर्स के ऊपर जो भी डिस्टेंस है विद इन उसके एरिया में भी ये हो सकता है. ओके, नेक्स्ट है देखो, ड्यू टू दिस रैपिड रिडक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द माइक्रोवेव विल कंप्लीटली बेंड टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ओके, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रैपिडली रिडक्शन होने के कारण जो भी माइक्रोवेव होती है वो कम्प्लीटली क्या हो जाती है, बेंड बैक टूवर्ड्स अर्थ सरफेस, वो क्या आ जाती है, अपने अर्थ सरफेस पे बैक आ जाती है, बेंड टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ओके, दिस इज सिमिलर टू हैपन इन अ स्काई वे. स्काई वे में भी ऐसा ही होता है, बट उसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द
अर्थ. ओके, द रीजन इन विच द सुपर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डक्ट. जो भी सुपर रिफ्रैक्शन होता है वो रीजन को डक्ट बोलते हैं हम लोग. द डक्ट कैन बी फॉर्म नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के पास में भी हो सकता है, और एट अ हाइट ऑफ हाइट फ्रॉम इट, मीन्स उसके ऊपर जो भी 30 किलोमीटर या फिर 1000 किलोमीटर हाइट है उसके ऊपर भी डक्ट प्रोपोगेशन हो सकता है, या फिर नियर द अर्थ सरफेस भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इलिवेटेड डक्ट. ओके, उसके बाद में लास्ट पॉइंट देखो, इट कैन टेक्स प्लेस ओनली फॉर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज रेंज. ये किसके मिस कहाँ पे हो सकता है, अगर अपनी फ्रिक्वेंसी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हो इन गीगाहर्ट्ज तभी ये डक्ट प्रोपोगेशन होगा. ओके, सो दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डक्ट प्रोपोगेशन. Today's topic will be in. So thank you.